स्कूल में जब पढ़ लिया उसने पहली बार, कोचिंग में बाद में पढ़ाया जा रहा है अगर, तो उसका रिवाइज हो जा रहा है, या कोचिंग में पहले पढ़ लिया तो स्कूल में रिवाइज हो जा रहा है। हम फॉलो एनसीईआरटी करिकुलम कर रहे हैं, स्कूल भी एनसीईआरटी करिकुलम फॉलो कर रहा है, नीट का पेपर एनसीईआरटी करिकुलम से आ रहा है। टेस्ट में मार्क्स कम आने के एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा। अगर आप शुरू में कर पा रहे थे तो डेफिनेटली ईयर लॉन्ग आप कर पाएंगे। आपका स्कोर क्यों कम हुआ है उसको पता करने के लिए हम एनालिसिस कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मिनट। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू के बारे में। जैसे कि आप स्टूडेंट्स जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि नीट की कोचिंग और स्कूल कैसे हम वो बैलेंस स्ट्राइक करें, साथ में कैसे दोनों चीजें हम कैरी करें। तो आज हमारे साथ हमारी दो फैकल्टीज हैं, प्रतीक सर एंड दीपिका मैम, जो आपको हेल्प करने वाले हैं ताकि आप दोनों चीजों को साथ में लेकर चल सकें। ओके, सो प्रतीक सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा। सो एक स्टूडेंट की लाइफ में ये कंफ्यूजन जरूर रहती है ना, कि नीट की कोचिंग भी करनी है और स्कूल भी करना है, तो वो जो चैलेंज आता है उसको वो कैसे ओवरकम करें, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, चैलेंज होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, बट लाइफ इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो अगर हम डेडिकेटेड हैं, हम एंथुसियास्टिक हैं हमारे एम को लेकर, तो फिर इतना बड़ा चैलेंज नहीं रहता, क्योंकि आपका एक कोई ड्रीम है, आपको वो फुलफिल करना है, तो उसके आगे हर एक चैलेंज जो है वो छोटा है। बिल्कुल। पढ़ाई की अगर अपन बात करें तो देखिए, सिलेबस स्कूल में भी वही पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में भी वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे स्कूल में ज्यादा फोकस्ड होते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है, थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना है, कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कोचिंग में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा एम होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम भी चाहिए होता है, बट फिर भी सिलेबस इज वन एंड द सेम। तो अगर बच्चा ये सोचकर पढ़ाई करेगा कि स्कूल में जब पढ़ लिया उसने पहली बार, कोचिंग में बाद में पढ़ाया जा रहा है अगर, तो उसका रिवाइज हो जा रहा है, या कोचिंग में पहले पढ़ लिया तो स्कूल में रिवाइज हो जा रहा है, पढ़ने का तरीका अलग है, एग्जाम को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग है। तो जब जैसे कोचिंग में टेस्ट आता है तो ज्यादा फोकस बच्चा प्रैक्टिस पर करे, स्कूल में कोई टेस्ट आ रहा है तो वो जो स्कूल ओरिएंटेड पढ़ाई है उस पर ज्यादा फोकस करे, तो इस तरह से बच्चा मैनेज कर लेता है। टफ होता है छोटे बच्चे के लिए, ग्यारहवीं का बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, अभी तक उसने इतनी सारी पढ़ाई करी नहीं होती जब तक वो टेंथ में होता है, और एकदम से उसको इलेवेंथ में ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो एक साथ आ गई है। बट फिर भी मैं फिर वही बात बोलूंगा कि आपका ड्रीम है तो उस ड्रीम के लिए आपको करना पड़ेगा, और खुशी से करेंगे तो अच्छे से होगा। राइट, ओके, सो बेसिकली आप कह रहे हैं मैनेजेबल है, किया जा सकता है, राइट? तो मेरा एक सवाल है कि कुछ, लेट्स से कि उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं, कि बहुत कोशिशें कर ली फिर भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर बैलेंस नहीं हो पा रहा तो मेरे अकॉर्डिंग ना मोटिवेशन की कमी है, क्योंकि देखिए सबके पास 24 घंटा है करने का, 20 लाख बच्चा एग्जाम देगा नीट का, उसमें से मेजॉरिटी बच्चे, बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे कर रहे हैं वो चीज, तो अगर वो कर रहे हैं तो किस कारण से कर पा रहे हैं, मोटिवेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपको भी वो मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा, और पॉसिबल है इसीलिए बच्चा कर पाता है, तो हो जाएगा। आप अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, दे विल गाइड यू, और आप भी कर पाएंगे, हर बच्चा कर पाएगा। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दीपिका मैम आपसे रहेगा, अगर लेट्स से डमी स्कूल्स की बात करते हैं, तो अगर किसी बच्चे को लगे कि हाँ अगर डमी स्कूल है तो मैं अपनी तैयारी फिर अच्छे से कर सकता हूँ, बिकॉज अदरवाइज मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, आपकी क्या एडवाइस रहेगी? आई गेस ये डमी स्कूल ना हर किसी को ऑप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, एंड दिस शुड बी इन अकॉर्डेंस विद देयर पेरेंट्स। ओके, जैसे कि आई नो कि एक बच्चा है, वो ही इज नॉट दैट एंथुजियास्ट कि नीट की कोचिंग को लेके, ही इज जस्ट हाँ कि मैं आई एम डूइंग नीट की कोचिंग, करना है, कर लेंगे या कर रहे हैं, बट मेरे पास कोई मकसद नहीं है, मेरी मोटिवेशन नहीं है, तो गोल नहीं है, बस करना है, 11th पढ़नी है तो हमने ले लिया, बट शायद इस बच्चे का आगे चल के इंटरेस्ट बन जाए, रुचि बन जाए। अब इस केस में आई डोंट थिंक दैट अ चाइल्ड शुड गो विद द डमी एडमिशन, नॉट एट ऑल, क्योंकि वो बच्चा एक प्रॉपर रूटीन कभी सेट नहीं करेगा। राइट, इन केस आई हैव अ स्टूडेंट जिसको पता है कि यार आई एम वेरी मच फोकस्ड, बाय हुक क्रुक मुझे इन 2 years के अंदर ही along with I have to secure a seat, मुझे नीट क्रैक करना है ना, उस बच्चे के लिए yes, definitely you should take the admission, you should take the dummy admission, and then focus on what you should focus on your neat coaching. Okay. अब adding on here, dummy admission
होना या ना होना इतना कोई डिफरेंस नहीं देता, क्योंकि मुझे लगता है कि सिलेबस ऑल अराउंड सेम है. हम जो कोचिंग के अंदर, हम क्या एनी कोचिंग एक्स वाई जी है ना, कोई भी कोचिंग जो भी पढ़ा रही है वो सेम ही सिलेबस करवा रही है क्योंकि स्कूल भी करवा रहा है. बिल्कुल, बिल्कुल. हम फॉलो एनसीईआरटी करिकुलम कर रहे हैं, स्कूल भी एनसीईआरटी करिकुलम फॉलो कर रहा है. नीट का पेपर एनसीईआरटी करिकुलम से आ रहा है. द डिफरेंस कम्स इज कि वो चैप्टर कौन सा पहले पढ़ा रहे हैं और हम कौन सा पहले पढ़ा रहे हैं. लाइक वी गो इन द सीक्वेंस ऑफ द एनसीईआरटी. द स्कूल पीपल कैन लिटिल डाइवर्ट कि ये पहले के बाद हमें लग रहा है कि लिंक किसी और के साथ है तो उन्होंने वो पहले करा है. तो बच्चा बस वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करता है. तो डमी एडमिशंस आप तभी लें जब आपको लगता है कि आई विल एक्सेल इन द नीट एंड आई एम वेरी फोकस्ड. बच्चा सुबह 7 बजे उठ रहा है, अपनी कोचिंग कर रहा है एंड ही हैज अ टाइम स्केड्यूल फॉर एवरीथिंग अलॉटेड. बट इन केस बच्चा इज लेजी या डमी हो गया, आप तो 11 बजे उठेंगे 12 बजे उठेंगे, देन इट शुड नॉट बी वैलिड विद द स्टूडेंट्स. राइट राइट राइट. ओके, सो आई थिंक यहाँ पे पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. डेफिनेटली. क्या मैसेज रहेगा आपका पेरेंट्स के लिए? बच्चा सारा ज्यादा से ज्यादा टाइम पेरेंट्स के साथ बिताता है एंड द हैबिट्स ऑफ अ चाइल्ड इज नोन टू ऑल द पेरेंट्स. बिल्कुल. उस पता है कि हमारा बच्चा कितना डेडिकेटेड है या कितना डाइवर्टेड है इस चीज के लिए या कितनी उसे डाइवर्जन आती है, ये पेरेंट को ही पता है. इस डिसीजन के अंदर जो मेजर रोल होना चाहिए वो पेरेंट का ही होना चाहिए. बिल्कुल. अब पेरेंट को पता है कि ये बच्चा हमारा बहुत फोकस्ड है, वो पेरेंट अपने आप ही बच्चे को मोटिवेट कर देगा, यार लेट्स फोकस ऑन वन थिंग फर्स्ट एंड दिस इज एन एड ऑन. द स्कूल, अगर आप सिलेबस आपको एक बार आ गया अच्छे से तो यू कैन राइट आइदर द नीट और द स्कूल पेपर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो वो पेरेंट अपने आप ही अपने बच्चे को बोलेगा येस लेट्स डू वन थिंग फर्स्ट एंड देन दिस इज मैनेजेबल. स्कूल कैन बी मैनेज, वो डमी से हो सकता है. बट अगर पेरेंट को ही पता है कि ये मेरा बच्चा सीधे से काम नहीं करेगा, देन द पेरेंट शुड सेंड द चाइल्ड टू द स्कूल. एंड हियर द मेजर की इज कम्युनिकेशन. पेरेंट शुड टॉक. उनको पता होना चाहिए कि उनका बच्चा किस डायरेक्शन में है, स्कूल में जाके वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं. तो वो पेरेंट्स का रोल और इन्वॉल्वमेंट सब जगह पे ही जरूरी है. राइट. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा. जैसे आप कह रहे थे कि बैलेंस बनाया जा सकता है, अब इनिशियली लेट्स से कोई स्टूडेंट है जिससे बैलेंस बनाया जा रहा था, बट जैसे जैसे वो लोड बढ़ता गया उसको लगा कि नहीं हो पा रहा है, अब मतलब बैलेंस बिगड़ सा रहा है, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए स्टूडेंट? देखिए ये चीज हर बच्चे के साथ होती है. जैसे जैसे चैप्टर्स हम आगे पढ़ते जाते हैं तो टफ भी होते जाते हैं. स्कूल में भी एग्जाम्स आ रहे हैं, कोचिंग में रेगुलर टाइम पर टेस्ट हो रहे हैं, तो वो होगा ही. बट फिर से मैं वही बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, लगभग सारे ही बच्चे करते हैं, और हमें भी मोटिवेटेड रहना है वो करने के लिए. ठीक है. और अगर आपको दिक्कत आ रही है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स से अपने टीचर से आप शेयर कीजिए, वो आपको हर चीज का सलूशन देंगे. कि ये है कि जैसे जब भी स्कूल में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है तो हम उस पर फोकस हमारा लगा लें. राइट. अगर कोचिंग में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, कोई टेस्ट हो रहा है, तो उसमें लगा लें. और देखिए मार्क्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो जो उसके टेस्ट होते हैं उनके मार्क्स से जज करता है कि मेरे से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा. अब टेस्ट में मार्क्स कम आने के एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं. उसका मतलब ये नहीं है कि उससे मैनेज नहीं हो पा रहा. Right. अगर आप शुरू में कर पा रहे थे तो डेफिनेटली ईयर लॉन्ग आप कर पाएंगे. आपका स्कोर क्यों कम हुआ है उसको पता करने के लिए हम एनालिसिस कर सकते हैं, कि टीचर से डिस्कस कर सकते हैं. बट ये सोचना कि मैं लोड नहीं ले पा रहा है, आगे नहीं हो पाएगा, वो गलत है. आप डेफिनेटली कर पाएंगे और इतना कठिन नहीं होता है. ओके, सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर टाइम. यस. राइट. ऑलराइट. सो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि कोई बच्चा जैसे 2 साल तो पहले स्कूल में लगा ले और उसके बाद फिर कोचिंग के लिए वो 12th पास कोर्स ले ले, तो आप क्या इसे बैलेंस कहेंगे? दिस इज अगेन वेरी डिप्लोमेटिक थिंग. राइट. इट डिपेंड्स ऑन चाइल्ड. वो बच्चा कैसे मैनेज कर सकता है वो उसका डिसीजन है. इफ एनी स्टूडेंट इज विलिंग के यार मैं ये 2 साल के बीच में ट्राई करना चाह रहा हूँ, तो आप 11th 12th एंड देन यू गिव द नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि चाइल्ड गेट्स एलिजिबल 12th के बाद वो नीट एग्जामिनेशन दे पाता है विद लॉन्ग विद 12th. अभी प्योरली चाइल्ड की साइकोलॉजी और चाइल्ड की मोटिवेशन के ऊपर है. जैसे सर हैज डेड स्ट्रेस ऑन वन वर्ड, दैट इज द मोटिवेशन. एंड आई हैड ऑल्सो हर्ड इन वन वेरी स्पीच कि मकसद जो है ना इस दुनिया को चलाता है. तो ये मकसद अगर आपके पास है कि यार ये तो करना है और इसी टाइम स्लॉट के बीच में करना है, तो यू कैन डू दिस एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आज की डेट में कैसे करते हैं, वो अलॉन्ग विद द 11th 12th ही प्रिपेयर करते हैं. नो बट इफ यू फील कि यार मैं पहले अपने बोर्ड्स आई डोंट वॉन्ट टू
रूइन और स्पॉइल या मेरा स्कोर कम होगा, देन ओके यू गो फॉर 11th एंड 12th एंड देन यू टेक अ 12th पास कोर्स एंड देन यू प्रिपेयर एंड गिव वन चांस टू बी नीट, तब भी आप कर सकते हैं. बट हम ये एडवाइस करते हैं कि आप 2 ईयर्स स्टडी 11th के साथ ही 11th 12th के साथ ही नीट करें, क्योंकि आपके पास एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है, आपके पास एक चांस है कि यार इफ नहीं हुआ तो हम लोगों के पास एक ऑलरेडी प्रिपरेशन होगी. तो सेकेंड चांस में दी चांसेस कि आप को सीट सिक्योर होगा, आपका क्लियर हो जाएगा, आपका क्रैक हो जाएगा, वो थोड़ा बढ़ जाता है. ओके, सो दैट इज मच एडवाइजेबल. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई थिंक आप सभी को इससे काफी इंसाइट्स मिले होंगे कि कैसे हम स्कूल के साथ जो है नीट की कोचिंग को हम बैलेंस कर सकते हैं. सो हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे एक और टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.